तो देखो बच्चों, अपना जो चैप्टर चल रहा है और ये चल रहा है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। आज हम इस चैप्टर में अब जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उनमें से पहला टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, और इसके बाद डिस्कस करेंगे हम ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। ओके, तो पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लें। तो देखो बच्चों, जितने भी लैंथेनॉइड्स हैं और एक्टिनॉइड्स हैं, ये सब के सब मेटल्स हैं, डक्टाइल नेचर के हैं, मैलेबल हैं, सॉफ्ट हैं, और मोस्टली इनकी जो प्रॉपर्टीज मिलती हैं वो एल्केलाइन अर्थ मेटल में कैल्शियम से मिलती हैं, क्योंकि एल्केलाइन अर्थ मेटल में अभी आउटर मोस्ट कॉन्फिग्रेशन है NH2, तो इनमें भी है NH2, लेकिन डेंसिटी में ये उनसे बहुत ज़्यादा डेंसिव है। लगभग 6 से लेकर 9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तक की डेंसिटी मिलती है। अच्छे इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टर्स हैं। ओके, तो यही हमें लेना है। तो पहले तो हम ये ले लें कि ऑल, ठीक है, लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। ओके बच्चों, और मेटल्स, इनमें कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो नॉन मेटालिक का हो, एंड दे शो ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल्स लाइक हाई डेंसिटी। और ये बता दूं कि इनकी जो डेंसिटी है वो 6.7 से लेकर 9.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तक की होती है। हाई डेंसिटी है ना, डक्टाइल नेचर, मालेबिलिटी, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है, एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दे आर सॉफ्ट इन नेचर बच्चों, सॉफ्ट इन नेचर लाइक एल्केलाइन अर्थ मेटल, मोस्टली सिमिलर टू कैल्शियम। मतलब एक सॉफ्ट नेचर के भी हैं थोड़ा सा, ये बहुत ज़्यादा हार्ड तो नहीं है जैसे डी ब्लॉक के हैं, लेकिन हार्ड तो हैं और डेंसिटी भी काफ़ी हाई है। लेकिन इनकी ज़्यादातर प्रॉपर्टीज बच्चों देखोगे आप तो वो किससे मिलती हैं, कैल्शियम से, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। उन्हीं के जैसे ये हाईली कोरेटिव होते हैं, मतलब जल्दी कोरोजन हो जाता है और रिएक्टिव हैं, तो हम रिएक्टिविटी, केमिकल रिएक्टिविटी में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। अब हम आ जाते हैं दूसरा जो हमारा पॉइंट है मेन, और वो है ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ठीक है, ये और एक लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस ग्रुप में, तो देखो इसको अच्छी तरह से समझना है। तो मैं ये बता दूं कि मोस्ट कॉमन स्टेबल जो ऑक्सीडेशन स्टेट है बच्चों, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनॉइड है ना, एंड एक्टिनॉइड्स जो है इज +3 ड्यू टू पार्टिसिपेशन ऑफ NH2 एंड N-1 d1 इलेक्ट्रॉन इन केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है।
मतलब इनकी सबसे मोस्ट कॉमन जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ना बच्चों, वो क्या होती है? +3। और यही तो रीजन है कि इनकी इतनी ज्यादा सिमिलरिटी है इस ऑक्सीडेशन स्टेट में कि सबके सब लैंथेनॉइड जो है इस ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं, और इसी से इनमें बहुत ज्यादा सिमिलर प्रॉपर्टीज है, और जिसके कारण इन्हें ग्रुप थर्ड में, है ना, आप देखोगे पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर थर्ड में रखा गया है, लैंथेनाइड को सिक्स्थ पीरियड में और एक्टिनॉइड्स को सेवन्थ पीरियड में। ठीक है, अब आता है कि कुछ एलिमेंट, पहले मैं लैंथेनाइड्स की बात करूं, कि सम अदर एलिमेंट्स एलिमेंट्स इन लैंथेनाइड्स ऑल्सो शो +2 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड दे दीज स्टेट्स जो है स्टेट्स गिवन बाय दोज एलिमेंट्स विच अचीव F0, F7 और F14 कॉन्फिग्रेशन आफ्टर 2 और 4 इलेक्ट्रॉन, या हम ये कह सकते हैं आफ्टर लूजिंग ऑफ 2, 4 इलेक्ट्रॉन्स। समझ गए बच्चों? देखो +3 तो सब में कॉमन है, सबके सब शो करते हैं, जो कि इसी के कारण इन्हें बहुत ज्यादा सिमिलर माना गया है। कुछ लैंथेनॉइड्स में देखोगे +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी मिलती हैं, और ये उन्हीं एलिमेंट्स में मिलेंगी जिनमें 2 या 4 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के बाद, लूज करने के बाद, उनमें F0, F7 या F14 कॉन्फिगरेशन हो जाए। जैसे देखो सीरियम 4F1, 5D1, 6S2। तो पहले अगर हम सीरियम 3+ की बात करें तो हो जाएगा 4F1, 5D0, 6S0, और अगर हम सीरियम 4+ की बात करें तो 4F0, 5D0, 6S0, और ये कॉन्फ़िगरेशन आप देखोगे जीनोन जैसा हो गया। तो सीरियम +4 में स्टेबल है ना। ऐसे टर्बियम में चले जाए तो 4F9 है ना, अगर आप इसमें देखोगे तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 4F9, 5D0, 6S2। तो टर्बियम अगर 4+ बना ले तो क्या हो जाएगा बच्चों? 4F7, 5D0, 6S0, ये क्या हो गई? हाफ फिल्ड, जो कि क्या है? थोड़ा स्टेबल है। अब आते हैं कि 2+ किस में मिलेगी, तो देखो EU में चले जाओ, 4F7, 5D0, 6S2। तो EU क्या करता है? +2 स्टेट भी शो करने लगता है। क्यों? क्योंकि इसमें इस तरह से क्या हो जाएगी? हाफ फिल्ड स्टेट आ जाएगी। ऐसे अगर आप इटरबियम में चले जाओ तो 4F14, 5D0, 6S2, तो YB +2, 4F14, 5D0, 6S0 शो कर देता है। तो इस तरह से आपने देखा कि +2 उन्हीं में स्टेबल होगी जिनमें 2 या 4 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद, जैसे सॉरी 2+ तो तब होगी जब 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद F14 हो जाए या F7 हो जाए, 4 तब होगी जब 4 निकलने के बाद या तो 7 हो जाए या F0। तो ये इस तरह से टर्बियम और शीरियम में +4 दिख रही है, यूरोपियम और इटरबियम में +2 स्टेबल दिख रही है। बट ये बता दूं कि +2 +4 जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, स्टेट्स आर लेस स्टेबल देन +3। Therefore,
आइंस ऑफ दीज, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट्स स्टेट्स कन्वर्टेड इंटू प्लस थ्री स्टेट एंड एक्ट एज रिड्यूसर, मतलब जो है प्लस टू स्टेट में, एंड ऑक्सीडाइजर प्लस फोर स्टेट, है ना। कि जैसे हम यही देखें कि जैसे सीरियम है प्लस फोर ज़्यादा स्टेबल नहीं है, इसलिए ये एक इलेक्ट्रॉन लेके प्लस थ्री में चेंज हो जाता है, तो ये लेस स्टेबल है। और ये क्या है बच्चों, मोर स्टेबल। तो ऐसे में मतलब सीरियम प्लस थ्री मोर स्टेबल देन सीरियम प्लस फोर, तो ये जो है प्लस फोर ये किसका काम करता है, ऑक्सीडाइजर का। ऐसे ही टर्बियम में हो जाता, टर्बियम फोर प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन लेके और चेंज हो जाता है टर्बियम प्लस थ्री में, और ये भी एक क्या बन जाता है बच्चों, ऑक्सीडाइजर, ठीक है। ऐसे ही अगर हम इसकी बात करें कि ईयू टू प्लस चेंज इन टू ईयू प्लस थ्री प्लस इलेक्ट्रॉन, तो इस तरह से ईयू टू प्लस लेस स्टेबल, ईयू थ्री प्लस, तो ये क्या हो गया, रिड्यूसर। ठीक इसी तरह से वाई भी टू प्लस चेंज हो जाएगा वाई भी थ्री प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब है वाई भी थ्री प्लस मोर स्टेबल देन वाई भी प्लस टू, तो ये भी क्या हो गया, एक यहाँ पर रिड्यूसर। तो इस तरह से लैंथेनॉइड आपने देखा होगा, सीरियम सल्फेट सी ई एस ओ फोर होल ट्वाइस यूज एज ऑक्सीडाइजर इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, समझ गए ना। तो इस तरह से इनका यूज किया जाता है। अब आते हैं कि लैंथेनॉइड्स में, तो लैंथेनॉइड्स जो है प्लस थ्री कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, ये तो है इनके, एंड ऑल्सो ऑल्सो शो प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स प्लस सेवन ऑक्सीडेशन स्टेट्स ड्यू टू वेरी लार्ज डिफ्यूज शेप ऑफ फाइव एफ ऑर्बिटल देन फोर एफ ऑर्बिटल्स एंड पेरिफेरल इन नेचर, बाहर की तरफ फैला होता है तो डिफ्यूसिव का बड़ा है और बाहर की तरफ फैला हुआ है, तो ऐसे में क्या होगा, एज अ रिजल्ट वेरी लिटिल डिफरेंस, फाइव एफ है ना, सिक्स डी एंड सेवन एस ऑर्बिटल्स एंड लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज फॉर केमिकल कॉम्बिनेशन, बात क्लियर है। तो लैंथेनॉइड में प्लस थ्री तो है ही कॉमन स्टेट, लेकिन इसके अलावा ये प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स प्लस सेवन तक स्टेट शो करते हैं, और रीजन है फाइव है ऑर्बिटल का बड़ा साइज, पेरिफेरल नेचर, जिसके कारण फाइव है सिक्स डी सेवन है ऑर्बिटल्स के बीच में एनर्जी डिफरेंस कम होता है। तो जैसे थोरियम है तो प्लस थ्री है ना, प्रोटेक्टोनियम है तो प्लस थ्री प्लस फोर भी शो करता है, यूरेनियम में चले जाओ तो प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स, नेप्च्यूनियम प्लूटोनियम, तो ये प्लस थ्री से लेके प्लस सेवन तक स्टेट्स होगा।
देखा होगा इनके ऑक्सो आइंस बनते हैं। तो इस तरह से इनमें कॉमन तो है H+3, लेकिन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स पाई जाती हैं। इनका रीज़न है कि इनमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन केमिकल कॉम्बिनेशन में यूज़ हो जाते हैं, जिसके कारण ही ये इस तरह का दिखाई देता है एक्सेप्शनल नेचर। तो ये है इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में और इनका फिजिकल नेचर। बात क्लियर है, यहाँ तक हो गया आज का मैटर।